सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है यामा शोरूम, आपको पता है राजर हार्ट ब्लू स्क्वायर में। तो कंप्लीट आज हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं FZX पे। तो जैसा आपको पता है, ये वाली जो मॉडल है 2023 एडिशन की E20 मॉडल है। तो आप लोग E20 का मार्क यहाँ देख सकते हो, कंप्लीट E20 का स्टिकर। और अगर एक्सटर्नल चेंजेस की बात करें तो एक्सटर्नल चेंजेस में हमें बस E20 का एक स्टिकर मिल जाता है, साथ साथ LED इंडिकेटर्स इसमें इंस्टॉल किए गए। तो इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो भाई यहाँ पर कम्प्लीट। हम लोग आज इसको प्रॉपर आप लोगों को रिव्यू बताएंगे। तो ये वाली 2023 एडिशन की E20 OBD2 एडिशन है। तो इस वाले में भाई अच्छे खासे चेंजेस तो इंटरनल हुए हैं, एक्सटर्नल में बस आपको एक स्टिकर दिख रहा होगा जो हम लोगों ने आपको दिखाया, बाकी LED इंडिकेटर्स। तो वीडियो के एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वाले वीडियो शूट कर रहे हैं यामा राजर हार्ट, जो प्रेजेंट है भाई राजर हार्ट में ब्लू स्क्वायर यामा। तो आपको इनका एड्रेस वगैरह कंप्लीट मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको बाइक्स वाली वगैरह लेनी है यामा की, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। तो चलो इसका रिव्यू अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इस वाले शेप की। तो यामा ने भाई रेट्रो सेगमेंट पे FZX को निकाला था कि थोड़ी से रेट्रो लगे, थोड़ा सा क्रूजर टाइप का फील आए। और भाई प्रॉपर उस टाइप का रेट्रो मशीन क्रूजर फील वगैरह ये वाली बाइक आपको देती है। हालांकि कॉम्पिटिटर में इसके भाई अच्छे खासे रेट्रो मशीन है, पर आज हम लोग इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग इस वाली बाइक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंप्लीट फ्रंट हेड वगैरह देख लो भाई, राउंड शेप जैसा आपका फ्रंट हेडलैम्प है ना, DRLs वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। तो एक बार आपको फ्रंट जो हेडलैम्प है वो ऑन करके दिखाते हैं। जैसे देखो DRLs आपके राउंड शेप में, और जो बीच में एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उनका थ्रो काफ़ी सही है। साथ साथ आपको LED इंडिकेटर्स वगैरह इसमें इंस्टॉल कर दिए गए। तो LED इंडिकेटर्स वगैरह भी आपको ऑन करके दिखाते हैं भाई। जैसा देखो LED इंडिकेटर्स वगैरह सारे आपको इसमें मौजूद है। और ये जो राउंड शेप का आ रहा है ना फ्रंट हेडलैम्प, ये काफ़ी तगड़ा लग रहा है देखने में, नो डाउट लग रहा है कोई कस्टमाइज लाइट लगी हुई। बट ये तो भाई इस वाली मशीन की खासियत है कि हमें ये वाली लाइट ऑफर की गई है कंपनी की तरफ से। फ्रंट फोक की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक फोक विथ 41 mm इनर ट्यूब डायमीटर विथ फोर्क बूट आपको दिया गया। बाकी फ्रंट का जो ये आप पोर्शन देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऑफ रोडर टाइप का, जैसा मशीन होता है ना ऑफ रोडर बाइक वगैरह, डर्ट बाइक वगैरह, उस टाइप का थोड़ा सा फील देगा। क्योंकि देखने में आपको फ्रंट का पोर्शन कंप्लीट उस टाइप का लग रहा है कि आपके ऐसे कवर किए गए इसमें। बाकी फ्रंट मडगार्ड हमें तो देख रहे हो मैट फिनिश में, कंप्लीट प्रॉपर बाइक आपकी मैट फिनिश में। अगर फ्रंट ब्रेक देखोगे तो आपको सिंगल चैनल EBS वगैरह इसमें प्रोवाइड किया गया, बाइब्रे का कैलिपर्स वगैरह है। और फ्रंट डायमीटर वगैरह की बात करें ब्रेक की, तो अराउंड 282 mm का फ्रंट ब्रेक डायमीटर आपको मिल रहा है। और रेयर ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 220 mm का हमें रेयर ब्रेक डायमीटर मिलता है। फ्रंट टायर की बात करें तो 100x80 का टायर है, 17 inches का एलॉय है, MRF का टायर है। और थोड़े बहुत ग्रूव्स जो आप देखोगे कंप्लीट आपको टायर में थोड़े बहुत ग्रूव्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ये साइड से आते हैं तो ये जो रबर का हम लोगों ने आपको बताया, ये जस्ट एक लुक दे रहा है हमें। आते हैं इसके हैंडल पे, तो इसका हैंडल थोड़ा सा क्रूजर टाइप का हैंडल है। जैसा आप देखो कंप्लीट आपको बड़ा हैंडल दिया गया अच्छी खासी लेंथ में। और बाकी हैंडल्स पे कीज़ वगैरह देखो तो किल स्विच वगैरह, इग्निशन वगैरह, पास लाइट हो गया, फ्रंट हेडलैम्प इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो एक बार ये भी दिखाते हैं, राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स ऑन हो गए। और साथ साथ इसमें हमें जो कार वाले आपको पता है जो कार में आपके चार्जर्स वगैरह लगते हैं USB पोर्ट को एक और होते हैं, वो वाला आपको चार्जर यहाँ पे दिया गया भाई। तो आप चार्ज कर सकते हो 12 volt 1 ampere का चार्जर। और बाकी ये वाला चार्जर आपको पता है कार में हम लोग बेसिकली पहले यूज़ करते थे, अभी तो भाई USB चार्जर वगैरह हर जगह आ गए। मीटर करते हैं ऑन, तो मीटर में जैसा देखो हमें ऐप नोटिफिकेशन, ब्लूटूथ कॉल फैसिलिटी इसमें भी है, कॉल हो गया, SMS अलर्ट हो गया, लास्ट पार्किंग लोकेशन हो गया, सब कुछ आपको इसमें दिखेगा। तो देखो RPM मीटर आपका ये वाला हो गया राउंड शेप में, थोड़ा सा यूनिक शेप में। और जो डिजिट्स हैं स्पीडोमीटर का वो थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया गया। बाकी ट्रिप टाइम हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दिया, तो TCS आप ऑन ऑफ कर सकते हो। TCS तो अभी ऑफ हो गया, तो TCS का लाइट आप ऊपर देख सकते हो, और लॉन्ग प्रेस करने पर ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाएगा ऑन। बाकी आप यहाँ पे ऑडो वगैरह, ट्रिप वन वगैरह सब कुछ देख ही रहे हो। फ्रंट हेडलैम्प देखते हैं क्या कंट्रोल होता है इससे। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा हाई एंड लो हो सकती है इस वाले स्विच से। जैसा देखो कंप्लीट तो ये हो गया। और बाकी चलो एक बार बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं, क्योंकि भाई लो फ्यूल थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। नहीं स्टार्ट हो गई, लो फ्यूल इंडिकेट कर रहा है तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। खैर कोई नहीं, हम लोग उतना छेड़छाड़ नहीं करेंगे बाइक को। तो ये हो गया कंप्लीट फ्रंट सेक्शन वगैरह।
टैंक की बात करते तो टैंक जैसा देखो भाई एडवांस लेवल का थोड़ा सा लगता है, बड़ा टैंक एंड बीच में ये पोर्शन जो दिया हुआ है ना यार तगड़ा लग रहा है। और बाकी E20 का मार्ग हम लोगों ने आपको दिखाया और FZX का मोनोग्राम वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो और अच्छा खासा बड़ा टैंक आपको प्रोवाइडेड है। टैंक डायमेंशन की बात करें तो 10 लीटर्स का टैंक डायमेंशन और कंपनी क्लेम करती है 40 प्लस माइलेज का। तो अगर आप लोग ये वाली बाइक ओन करते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कितना माइलेज प्रोवाइड हो रहा है। बाकी साइड पैनल्स वगैरह यहाँ पे देखो कंप्लीट गियर वगैरह साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर वगैरह भी है। मेन स्टैंड और कंप्लीट इंजन इसका ब्लैक कलर्ड में या वहाँ का एक मार्क आप यहाँ पे देख लो। बाकी नीचे में कौल वगैरह हो गया। अपोजिट साइड से आप देखो कंप्लीट यामाहा का मार्क वगैरह ये वाला पैनल वगैरह और ये वाली फुटपेक जो है वो फ्लेक्सिबल है, आपका लॉक नहीं होगी बट रेयर वाली आपकी लॉक हो जाएगी। तो कैट कैन वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ऑटो सेंसर वगैरह है, कंप्लीट ब्लैक कलर्ड इंजन है। और इंजन को डिफाइन करें तो 149cc का इंजन, एयर कूल 4-स्ट्रोक SOSC 2-वाल्व, 12.4 PS का पावर एंड 13.3 Nm का टॉर्क वगैरह आपको प्रोवाइड करती है। बाकी थोड़ा बहुत अगर डायमेंशंस की बात करें तो 785mm का आपका विथ है, 810mm का आपका सैडल हाइट, 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस एंड 139kg की आपकी मशीन है। तो ये हो गया इसका डायमेंशंस वगैरह और इंजन स्पेक्स वगैरह। एग्जॉस्ट नोट जैसे देखो इसका बेंड कंप्लीट नीचे से होते हुए आया है और सिंगल सीट ऑप्शन आपको मिल रहा है तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, नो डाउट आराम से आप लोग बैठ सकते हो, तीन बंदे भी बैठ सकते हो पर भाई दो ही बैठना, जैसा लॉ है उसी हिसाब को फॉलो करो भाई। और मोनोशॉक सस्पेंशन हमें रेयर में दिया गया, हगर प्रोवाइड होता है, रेयर में डिस्क है और ABS रिम आपको एक रिम दिखेगा, सेंसर सिंगल चैनल ABS के साथ मशीन है। बाकी रेयर टायर की बात करें 140/60 का टायर है, 17 inches का अलॉय व्हील और टायर देख के थोड़ा सा ग्रूव देख के आपको ऑफ रोडर टाइप का फील आएगा थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉपर ऑफ रोडर तो नहीं मैं बोलूँगा लेकिन हाँ, लेकिन इसके ग्रूव जिस टाइप के हैं ना तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडर फील आपको ज़रूर दिखाएंगे। और साथ साथ अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं भाई, आपको टेल सेक्शन इसका दिखाते हैं कंप्लीट इस साइड से देखो इसके टेल सेक्शन वगैरह ओवल शेप में आपको दिए गए हैं और बाकी तो LED इंडिकेटर्स वगैरह हमारा है ही। टेल सेक्शन वगैरह बाकी बाइक कंप्लीट रेट्रो फील देती है भाई, क्रूजर टाइप का फील देती है जैसे इसका हैंडल वगैरह है और बाकी जैसे इसका शेप वगैरह। जैसे देखो हैंडल भी आपका थोड़ा बड़ा है, आपका समझ जाओ इस टाइप से थोड़ा सा नॉर्मल बंदा ऐसे नहीं नॉर्मल थोड़ा सा आराम से बैठेगा और डेप्थ भी आप देख सकते हो। बाकी अगर पिलियन में लेडी वगैरह बैठती है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ग्रैब हैंडल प्रॉपर आपको दिया हुआ है। और बाकी इस बाइक की अगर बात करें तो भाई रेट्रो सेगमेंट में यामाहा निकाला था एंड रेट्रो सेगमेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, चला वाला के भी हम लोगों ने देखा है यार मज़ा आता चलाने में। अब तो E20 फ्यूल नॉर्म्स एंड OBD2 आके और रिफाइन कर दिया गया इसे। तो चलो इसका प्राइसिंग पूछते हैं, क्या प्राइस पड़ रहा है यामाहा कोलकाता में, जो आपको ऑन रोड प्राइस क्या कुछ चेंजेस है कि नहीं, तो आज चलो सब कुछ पूछकर आपको बताते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक देखे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताना इस वाली बाइक को अगर आप लोग ओन करते हो तो आपको क्या इसका पॉजिटिव क्या इसका नेगेटिव लगा। सो इसका अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 163,000 ऑन रोड प्राइस है और अराउंड 1,500 ही बढ़ा है भाई, उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है प्राइसिंग में। तो चलो हम लोग वीडियो करेंगे एंड, होपफुली आपको इस बाइक का अपडेट और इस बाइक का चेंजेस पसंद आया होगा, लाइक LED इंडिकेटर्स, OBD2, E20 और कुछ वैसे चेंज नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में हमें बताना आप लोग को ये वाली मॉडल कैसी लगती है। चलो वीडियो में करते हैं एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड राइड सेफ स्टे सेफ। और हाँ, हमें यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, 100K के बहुत करीब है हम लोग। तो चलो थैंक यू।